पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जीवन ज्योति ट्रस्ट लगातार सेवा कार्य करता रहता है। इस बार उसने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर लोगों का मुफ्त इलाज कर दवा मुहैया करवाई। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बरी अंजनिया ने बग्घा चौवन में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें 75 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाई दी गई। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट खटीमा के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में मानव सेवा, समाज सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सड़क सुरक्षा तथा पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है। शिविर में आए डॉक्टर उत्तम कुमार ने बताया कि अर्थराइटिस, न्यूरो, फंगल तथा वायरस से संबंधित लगभग 75 मरीजों का परीक्षण करके दवाई दी गई। साथ ही शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को संक्रामक बीमारियों की रोकथाम, बचाव व उससे सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देकर उनको सचेत व जागरूक किया गया। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के माध्यम से उनको पहले धन्यवाद कहूँगा कि उनके माध्यम से आज कैंप बग्घा चौवन में लगाया गया, जिसमें हमने आर्थराइटिस, वायरल, उल्टी दस्त के मरीज देखे और कुछ फंगल के पेशेंट मिले और कुछ ऐसे पेशेंट थे जिसमें कान की प्रॉब्लम थी, सुनाई कम दे रहा था और उसमें खुजली वगैरह हो रही थी, तो उनको हमने परामर्श दिया कि आप ENT डॉक्टर को दिखाएं। ट्रस्ट के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने कहा कि ट्रस्ट विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर उन गरीबों, असहाय और बेसहारा लोगों को लाभान्वित कर रहा है जो किसी कारणवश अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं या अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है। खटीमा से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास बग्घा चौवन ग्राम सभा में हम लोगों ने आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया। यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर में हम लोगों ने, हमारे डॉक्टर उत्तम कुमार ने, उनके द्वारा हम लोगों ने 70 से 75 मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांचा और वहीं लोगों को हिदायत दी तमाम प्रकार के वायरल फीवर से बचने के लिए, एलर्जी जो फंगल है उस फंगल का इलाज हुआ और कई प्रकार के जो अंदरूनी पेट की समस्या हैं, गैस, एसिडिटी, अनेक प्रकार की समस्या हैं, उसका इलाज यहाँ जांचा गया और उनको स्वास्थ्य की सलाह भी दी गई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।